नाजरीन आपका आजमऊ में खैर मकदम है। मैं हूँ नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन कल 10 मार्च है और 5 रियासतों में जिनमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असम्बली इंतखाबात हुए हैं और इन 5 रियासतों की काउंटिंग एक साथ यानी कल होनी है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों ने देखा जिस तरीके का एग्जिट पोल का तमाशा किया गया, एक प्रसप्शन बनाने की कोशिश की गई, एक पार्टी को एडवांटेज देने की कोशिश की गई, उसके बाद ईवीएम बड़े पैमाने पर हैक करने की कोशिश की गई, जिसको अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी खुलासा किया कि ईवीएम को हैक कर और वोट बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी के जो अलायंस हैं उनके तमाम लीडरान उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में स्ट्रांग रूम जो है जहां पे ईवीएम रखी जाती है वहां पर जाकर पहरेदारी करने लगे ताकि किसी तरह की कोई चोरी न होने पाए, ईवीएम तब्दील न की जा सके और ईवीएम तब्दील करके किसी एक ख़ास पार्टी को इख्तदार में दोबारा न लाया जा सके। एग्जिट पोल का परसेप्शन बनाया गया और एग्जिट पोल के बारे में आपने सुना भी किस तरीके से 20 करोड़ 30 करोड़ इस तरीके की खबरें आ रही हैं और तमाम चैनलों पे ये बातें हो रही हैं कि एग्जिट पोल 20 करोड़ 30 करोड़ लेकर दिखाए गए और एक माहौल क्रिएट किए गए, परसेप्शन बनाया गया ताकि ऐसा लगे कि बीजेपी फिर से लौट रही है और अगर कहीं पर 100, 200, 500, 1000 के वोटों के फर्क से अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उसे शिकस्त देके उसकी जगह बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं पर ज़िला इंतज़ामिया बनारस, जैसे आप देखें पहाड़पुर में बनारस में जो ईवीएम पकड़ी गई है वहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट का कहना है कि वो ट्रायल के लिए ईवीएम जा रही थी, तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर ट्रायल के लिए ईवीएम जा रही थी तो जो तमाम सियासी जमातों के लीडरान हैं उन्हें खबर भी होनी चाहिए कि कहाँ जा रही है और उत्तर प्रदेश के तकरीबन आधा दर्जन ज़िलों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि ईवीएम पकड़ी गई। अब वक्त बहुत कम है, 10 मार्च यानी कल रिज़ल्ट आने हैं और कल रिज़ल्ट तकरीबन 8 बजे से पहले रुझानात मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि काउंटिंग सुबह से ही शुरू होगी। इन तमाम हालात के बीच जिस तरीके की सियासत देखने को मिली, हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, 5 रियासतों में से जिनमें से उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में जो इंतखाब हुए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ईवीएम चोरी और ईवीएम हैक करने का मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों नज़र आ रहा है, पंजाब में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, मणिपुर में कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, गोवा और उत्तराखंड में नहीं आया, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के हमनवा जो लोग हैं क्यों उत्तर प्रदेश में ईवीएम को हैक करने की कोशिश करके वो उत्तर प्रदेश में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये दी जाती है कि उत्तर प्रदेश से ही इख्तदार जो है दिल्ली का, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली के इख्तदार पे जाता है जो रास्ता ये हमवार करता है उत्तर प्रदेश, यहीं से अगर उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है तो 2024 में आप दिल्ली में हुकूमत बनाएंगे और अगर आपकी ज़मीन उत्तर प्रदेश से खिसक गई तो आने वाले दिनों में शायद आपको दिल्ली भी नसीब न हो। इसलिए पूरी तरीके से बीजेपी और बीजेपी के लोग ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, जबकि आम लोगों के बीच, आवाम के दरमियान, वोटरों के दरमियान और नौजवानों के दरमियान, तलबा के दरमियान जिस तरीके की नाराज़गी आपको देखने को मिली, यहाँ तक कि बुनकरों और किसानों के दरमियान भी इस हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराज़गी देखने को मिली,
किसानों ने पूरी पूरी रात जाग कर जिस तरीके से अपने फसलों की, जो आवारा जानवर हैं, छुट्टा पशु हैं, उनसे हिफाजत की और किसी तरीके से अपनी फसलों को बचाकर वो मार्केट में ला रहे हैं, तो वो मार्केट में उन्हें वो कीमत भी नहीं मिल रही है जो सरकार पिछले 7 सालों से कह रही है कि किसान के जो रेट हैं हम उसको दोगुना कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं, बखूबी इस बात का एहसास कर सकते हैं कि ये बीजेपी उत्तर प्रदेश पे क्यों इतना फोकस कर रही है। रहा सवाल समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी क्या हुकूमत बना लेगी या नहीं बनाएगी या उसे कितनी कामयाबी मिलती है, इन सब का अंदाज़ा कल 10 मार्च को काउंटिंग के बाद ही होगा। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि एग्जिट पोल के ज़रिए एक खास पार्टी को एडवांटेज देकर पूरी तरीके से माहौल क्रिएट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है, और जब भी कोई सर्वे आता है उसमें एक बात मीडिया के ज़रिए साफ कही जाती है कि ये सर्वे है, ये एग्ज़िट पोल है, इस एग्ज़िट पोल को आप आखिरी नतीजा न समझें। ये क्योंकि कोई आखिरी नतीजा नहीं होता एग्ज़िट पोल, असली नतीजा वही होता है जो राय आम्मा होती है, जो लोग हक़ रायदेही का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं और जब उसकी काउंटिंग होती है तो जो उसे रिजल्ट बरामद होता है वही होता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि एग्जिट पोल का इस तरीके से बहुत महिमा मंडन, बहुत इसका हवा खड़ा करके किसी एक पार्टी को एडवांटेज देने की बात की जाती है? हम तो ये समझते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले जो इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल हुआ करते थे उस पर बैन कर दिया है, तो हम ये इस बात की भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटिंग के फौरन बाद काउंटिंग का काम शुरू करवा देना चाहिए, और अगर ये मुमकिन नहीं है कि वोटिंग के फौरन बाद काउंटिंग नहीं हो सकती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी साख, अपना वजूद कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि उसे कम से कम 2 दिन का जो वक्फा मिलता है उस वक्फे के दरमियान किसी तरीके के एग्जिट पोल की इजाज़त न दी जाए, ताकि किसी एक पार्टी के मोरल को हाई न किया जाए और किसी दूसरी पार्टी के मोरल को डाउन करने की कोशिश न की जाए। अगर नाज़रीन आप मेरे इस मुतालबे से, मेरे इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, तो आप इस वीडियो को, मैं समझता हूँ कि शेयर करेंगे और कमेंट करते हुए लाइक भी करेंगे। हम यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि कल यानी 10 मार्च को जो नतीजे बरामद होंगे उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।